अब ये बल्ब मैं आपको रिक्रिएट करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए इस बल्ब को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अब ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये सर्कुलर में, इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं सबसे पहले F7 की का यूज़ करूँगा। यहाँ पे सिंपली मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.25, फिर नीचे 0.25। ठीक है, अब इसको सिंपली आप आर्क में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से, और F10 की का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको करीब करीब इतना, और ठीक यहाँ से भी मैं इतना यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, और आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसको क्रिएट करेंगे, मैंने सिंपली ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे 0.105, यहाँ पे 0.04 मैंने एंटर प्रेस करा, और इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और सी प्रेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करके इस बल्ब के साथ टी प्रेस करूँगा, तो इसका टॉप अलाइन हो जाएगा। और इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और बी प्रेस कर दूंगा, तो ये बॉटम अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से ब्लैक फिल कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से मैंने एक ड्रॉ किया इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ। मैं सिलेक्शन के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की के साथ सी प्रेस करूँगा, F5 करके मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इसको इसका बॉटम अलाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं F6 प्रेस करके अगेन मैं एक बॉक्स दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करूँगा इतना, और F10 की के साथ यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंडेड शेप दूंगा इस तरीके से, और इसको मैंने कंट्रोल स्पेस करके हटा दिया, कंट्रोल एक्स करके मैंने जो अभी शेप चेंज करी इसको मैं कट करूंगा, और यहाँ से इस बॉक्स को मैं डिलीट कर दूंगा और उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। F5 की को प्रेस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे लाके आप छोड़ देंगे, और इसको मैं F10 की के साथ कंट्रोल ए की को यूज़ करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व करूंगा। तो यहाँ पे पहला मैंने ये नोड सेलेक्ट किया, और यहाँ से क्लिक करके मैं राइट एरो से थोड़ा सा अंदर करूंगा से। आप मुझे देख के अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक एंगल या कोई डायमेंशन नहीं देनी है, बस आपको एक अंदाजन उस तरीके से मेंशन करना है। अब मैं यहाँ से इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा, राइट क्लिक को प्रेस करूंगा और कंट्रोल ए की के साथ यहाँ से ये नोड पकड़ के यहाँ लाके छोड़ दूंगा मैं। शिफ्ट और ऑल्ट की के साथ इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, और कंट्रोल एल की को मैं प्रेस करूंगा, F10 की के साथ मैं यहाँ से इस नोड को ज्वाइन कर दूंगा, और ठीक इसी तरीके से मैं इस नोड को भी यहाँ ज्वाइन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ये मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी परफेक्शन आ चुकी है इस नोड को। इसके बाद ये जो अंदर का पोर्शन है ये कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे F7 की का यूज़ करेंगे, मैं एक रैंडमली एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका डायमेंशन दिया 0.05, नीचे टैब प्रेस करूंगा 0.05, मैंने एंटर प्रेस किया। अब इसी की मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा, और शिफ्ट की के साथ इस तरीके से इतना ला के मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसको आर्क में कन्वर्ट करूंगा, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, F10 की को प्रेस करा, यहाँ से मैंने इसको यहाँ ला के छोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार इसको भी मैं आर्क में कन्वर्ट कर दूंगा, और यहाँ से लेके मैंने इसको यहाँ ला के छोड़ दिया। F10 की के साथ मैं इसको यहाँ ला के इतना छोड़ देता हूँ। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल एल की के साथ कंबाइन कर देता हूँ। F10 की को मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैंने ये जॉइन नोड कर दिया है, और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, और आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से लुक देगा। मैं कीबोर्ड पे प्लस बटन को प्रेस करूँगा, F10 की के साथ कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, यहाँ लाके मैंने छोड़ दिया। अब अगेन मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल ए की का यूज़ करूंगा, यहाँ से मैं इसको यहाँ लाके छोड़ देता हूँ। अब बस पूरे को सेलेक्ट करेंगे आप, कंट्रोल एल की का यूज़ करेंगे। अब इसको मैं अनजूम कर लेता हूँ, इस पार्ट को इस बल्ब के साथ मैं सेलेक्ट करके सी ई प्रेस करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से है। अब मैं यहाँ से मैं F5 की का यूज़ करूंगा, मैं यहाँ से यहाँ सेंटर में ला के छोड़ देता हूँ। F10 की के साथ मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कर्व में कन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं इस नोड को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की के साथ मैं यहाँ लूंगा, और यहाँ से इस नोड को पकड़ के थोड़ा सा इस तरीके से मैं एडजस्ट कर दूंगा, और इसको कुछ अंदाजन यहाँ से मैं यहाँ ला के इतना सा कुछ छोड़ दूंगा।
इसी तरीके से मैं इसका एक रिवर्स डुप्लीकेट बनाऊंगा यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करके, और कंट्रोल ए की के साथ मैं यहाँ से लाके इसको यहाँ छोड़ देता हूँ। और इस नोड को थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल एल की के साथ F10 की का मैं यूज करूंगा, इन दोनों नोड्स को ज्वाइन कर दूंगा मैं इस तरीके से। इसको सिंपली सेलेक्ट करके मैं F12 की का यूज करूंगा, यहां से मैं इसको राउंडेड कॉर्नर कर दूंगा, ओके प्रेस करूंगा। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके मैं कीबोर्ड पे F12 प्रेस करूंगा, यहाँ पे 0.8 मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से लुक आएगा, ये मैंने अभी जल्दी जल्दी में क्रिएट किया है। ये जो डायग्राम हमने क्रिएट किया है, इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको एक आइडिया, एक पैटर्न लेना है कि इस तरह की किसी भी डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करें, इससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।